was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माय अनदर व्लॉग। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पत्तों की नर्सरी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी है। अच्छा, इसका पार्ट टू व्लॉग जो है, और इसमें आपको मैं दिखाऊंगा दुनिया के मुख्तलिफ और अनोखे अनवाव इकसाम के पौधे, और ये जो कि आपने कभी नहीं देखे होंगे, और बड़े अजीबो गरीब जो है ना, उनके डिजाइनिंग और उनकी इकसाम जो है ना, आपको देखने को मिलेंगी। तो आप ये व्लॉग जो है एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है ना अजीब अजीब किस्म के और खूबसूरत स्टाइलिश पौधे जो है देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे ये रखे हैं, ये इस तरह इसमें ये कटिंग की हुई है, शायद ये कोई चीज कोई पता नहीं क्या है, ये इस तरह का कुछ इसको ऊपर से काटा हुआ है, तो इसमें कुछ ऊपर जो है ना वो लगता होगा। तो ये साथ साथ जो है ना गमलों में भी रखे हुए हैं इधर पौधे, और ये आपको आगे दिखाते हैं, ये सारे डेकोरेशन के पीसेस हैं इनडोर आउटडोर के। अच्छा, जो के आमतौर पर आप लोग देखते हैं घरों में, मकानों में और मुख्तलिफ ऑफिसेज में। और ये हम एंटर हुए हैं इधर जी, ये इसको जो है ना वो किया हुआ है, ऊपर से बंद किया हुआ है। तो इधर जो स्टीम आप देख सकते हैं किस कदर जो है ना, इधर गर्मी है, हबस है, और टेम्परेचर को जो है ना इधर जो है गर्म रखा हुआ है इधर पौधों के जरूरत के हिसाब से। अब हम जो है आपको दिखाते हैं जी, इधर बाहर ये रखे हुए हैं पौधे कुछ, और ये देखें ये सारे डेकोरेशन वाले पीसेज हैं, और ये देखें ये गमलों में मुख्तलिफ सजावटी जो है ना, आप देख सकते हैं कि ये इतनी वैराइटीज हैं कि ये हमें तो इनका आइडिया ही नहीं है कि क्या नाम है इनके, कौन सी नस्ल है, और बल्कि जो है ना कि यहाँ के ओनर्स भी जो है ना वो भी, उनको भी ये सारी वैरायटीज का इतना ज्यादा आइडिया नहीं है कि क्या बात करता है यार, इस मकदार में इस हद तक जो है ना है। और ये देखें व्यूअर्स, किस तरह इनकी डिजाइनिंग की हुई है, ज़िगज़ैग बनाया हुआ है इनको, बाकायदा तौर पर इनकी ना वो तरतीब से ये इसको मोल्ड किया जाता है ग्रेजुअली जो है ना, वक्त के साथ साथ जैसे ये बढ़ते हैं ना, इनको एक खास शक्ल दी जाती है। और ये देखें ये तो कुदरती तौर पर नीचे से किस तरह का है, जैसे पेट बाहर को निकला हुआ था। ये देखें व्यूअर्स, मतलब कि यार अजीब अजीब से पौधे हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, ये इंटरनेशनल जो दरख्त हैं या पौधे जहाँ पर भी होते हैं दुनिया में, सारे सब की वैरायटी इधर मौजूद है। इधर से यहाँ पर पूरे मुल्क में ये सप्लाई होते हैं, और इंटरनेशनली जो है ना ये एक्सपोर्ट होते हैं, दूसरे ममालिक में भेजे जाते हैं। ये देखें आप, इस तरह का ये ट्री भी आपने कहीं देखा होगा सोसाइटीज में या पार्क्स में। और ये देखें ऊपर ये क्या लटका हुआ है, ऑक्टोपस की तर्ज का जो है ना ये वो है डेकोरेशन पीस है, डेकोरेटिव प्लांट है ये बेल सी लटकी हुई है, और खारदार है, इसमें कांटे हैं, इसको आप टच नहीं कर सकते। तो ये देखें साथ साथ ऊपर वो उधर भी लटका हुआ ये, और ये इसकी एक बेल सी है, देख सकते हैं आप, इसमें ना ये कांटे भी हैं, और ये जो है ना इसको आप टच नहीं कर सकते, इसको अगर छुएंगे ना तो आपको जो है ये हर्ट करेगा ये ये साथ जो है ना नीचे रखे हुए ये ग्रीन डेकोरेशन के लिए, ये देखें ये किस तरह माशाल्लाह, ये कितना प्यारा जो है ना ये है, इस साइड पे भी ये कितने प्यारे रखे हुए हैं। ये देखें आपको ये जो है ना बहुत, आप देख सकते हैं कि ये क्या कहते हैं कि वो खूबसूरत हैं और दिलकश हैं।
अब बाहर को हम इधर देखें, इधर भी रखे हुए हैं, बाहर आते हैं हम ये देखें इसकी किस तरह डिजाइनिंग की हुई है। अच्छा व्यूअर्स ये देखें, ये डिजाइनिंग बकायदा से ये कुदरती नहीं है, ये यहाँ पर नर्सरी में ये की जाती है। यहाँ के जो मैनेजर हैं या जो भी इनको बनाते हैं, इनको ग्रो करते हैं, वो इनको बकायदा तौर पर मोल्ड करते हैं। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं, इधर हम एंटर हुए ना तो यहाँ पर इन्होंने अपना जो ये इनका है ये बनाया हुआ है, इन्होंने अपना ये बगीचा सा बनाया हुआ है। इधर ये जो है गुलाब के फूल जो है ना, उनकी कई वैरायटीज हैं इधर जो है इन्होंने उगाई हुई हैं, और आई थिंक ये जस्ट इन्होंने अपने लिए लगाए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, पिंक रोजेज हैं, आगे रेड रोजेज भी हैं, और ये सारा रोज गार्डन है, ये रोज गार्डन बनाया हुआ है। और ये देखें कितने खूबसूरत फूल हैं माशाल्लाह, ये चेक करें आप, रेड रोजेज हैं, और ये देखें आप। अच्छा इधर जो है ना, इधर ये बड़े अजीब किस्म के ये हमें नजर आए हैं, ये प्लांट्स हैं, ये पौधे देखें आप किस तरह के, यार ये अजीब से, ये पता नहीं क्या चीज है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। और पता नहीं किस कंट्री में ये होते हैं, कहाँ पे होते हैं, अक्सर जो है ना हम मूवीज में जो है ना अजीब तरह के इस तरह के पौधे हमें देखने को मिलते हैं। देखें ये इधर जो है ना ये रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। किस तरह का अजीब सा डिजाइन है इसका, और ये चेक करें आप। मैं इनसे पूछ रहा था कि यार ये भी ना नर्सरी, ये इनकी जो है ना ये है नर्सरी, तो मैं इनसे पूछ रहा था कि ये क्या है यार, ये क्या है यार, इनका क्या मतलब, इन्फॉर्मेशन ले रहा था कि ये कौन से मुल्क के हैं और कहाँ पे होते हैं, क्या है, इनको भी नहीं मालूम ये ना। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह के हैं, अजीब से खारदार से हैं सारे, कांटे से कांटे लगे हुए हैं, इनको आप ना टच नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं दूर दूर से आप। ये देखें किस तरह का अजीब सा यार ये। अच्छा ये तो देखें वो फिश नहीं होती, एक फिश की तरह का है ये, और ये गोल गोल टिंडे की तरह अजीब अजीब से जो है ना यार ये, पता नहीं आपने भी मेरे ख्याल से कभी नहीं देखे होंगे ये, नहीं क्योंकि ये मुझे लग गया कांटा, टच किया था थोड़ा सा। चेक करें आप ये, ओहो ये देखें इधर जो है ना ये यहाँ पर ये ये चुभता है यार, ये चुभता है। अच्छा ये देखें यहाँ पर ये बड़े हो गए, वही ना जो इधर था ना वो कांटों वाला, ये यहाँ पर ये बड़ा, ये बड़े बड़े रखे हुए हैं दो, ये इतने बड़े हो जाते हैं, ये ग्रो कर जाते हैं ऊपर सीधे सीधे जो है ना। ये क्या है? और पता नहीं ये यार यहाँ की तो नहीं है बहल, ये पाकिस्तानी नहीं है, कहीं और होते होंगे बहल। ये जो है ना आप देख रहे हैं ये ट्री बनाया हुआ है, और इसका नाम भी पता नहीं क्या है, वो बता रहे थे लेकिन मुझे याद नहीं है। ये देखे किस तरह डिजाइनिंग की हुई है यार, और ये आसान नहीं है, ये इनको कई कई महीनों लग जाते हैं इस तरह की डिजाइनिंग तैयार करने में इनकी। ये किस तरह वो छतरी टाइप बनाया हुआ है, स्टेप्स बनाए हुए हैं जिस तरह वो स्टेयर्स होती हैं, इसको देख लें। अब ये एक ट्री नहीं है, इसको ना कई पौधों को ना मिलाकर ये एक शेप बनाई गई है इसकी, और जिससे ये इतना खूबसूरत डिजाइन तैयार हो गया है। इसमें ना गाइस बड़ी मेहनत होती है, और ये भी बकायदा एक हुनर है, एक फन है, बात तो सही है। ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे भी रखे हुए इधर, और ये कितने अजीब अजीब से हैं, ये चेक करें। मेरे ख्याल से यार ये ना कहीं मतलब के ऑफिस में कहीं इस तरह की जगहों में रखे जा सकते हैं, जहां पर ना कोई बच्चे वगैरह भी ना हो जो इनको टच कर सके। ये गमले हैं इधर, गमलों में ना ये छोटे जो पौधे होते हैं ना, ये जिस तरह ये गुलाब के हैं, इनको जो है ना ये डालकर जो है ना मूव कर सकते हैं, या कहीं पर सप्लाई करने हो तो। ये रेड रोजेज हैं, और रोज गार्डन ये बनाया हुआ है, और यहाँ पर ये जाली रखी है गाइस, इस जाली को किसी भी पौधे के जो है ना इतराफ में लगा कर जो है उसकी उसकी डिजाइनिंग तैयार की जाती है, उसकी शेप बनाई जाती है। और ये चेक करें, ये देखें
ये चेक करें, ये वो जो बाहर देखा था ना हमने, उसी की तरह का ये है। और ये बाकी छोटे छोटे रखे हैं, ये इनको देखो तारों से ना वो किया हुआ है, डिजाइन बनाया हुआ तारों से, इधर उधर जो है ना वो मोल्ड किया हुआ है। अब ये देखें गाइस, ये एक पौधा नहीं है, ये काफी पौधों को ना मिलाकर ये डिजाइन तैयार किया गया है। सेम नस्ल के सेम वैरायटी के पौधों को ना मिलाकर जो है एक डिजाइन तैयार किया गया है। अब ये देखें, ये सारे जो है ना ये बड़े बड़े मतलब के ग्रो किए हुए हैं काफी बड़े। और ये तो आपने देखा होगा कि कहीं पर अक्सर जो है ना ये सोसाइटीज में भी ये लगा होता है। ये आमतौर पर खजूर की तरह का सा लगता है, लेकिन ये डेकोरेटिव है। और ये देखें आप, इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें इन्होंने ये देखें, ओ ये चेक करें, इसमें से चार वो निकल रही है शाखें ऊपर, नीचे से ये जो है ना वो इस तरह जैसे तोंद निकली होती है ना किसी की, इस तरह है। अच्छा, तो ये अब आगे जो है ना इधर जाके देखते हैं ये क्या है इधर, ये चेक करें, ये सारे जो है ना इस तरह के ये इधर रखे हुए हैं, ये सेम ये जो है ना, और ये बड़े बड़े रखे हुए हैं जो मतलब कि एक काफी बड़े जो है ना तैयार शुदा है मुकम्मल जो है। और ये लड़के पानी भर रहे इधर, पानी पीने के लिए, जो नर्सरी पे इधर रहते हैं रखवाली के लिए देखभाल करते हैं। ये छांगा नर्सरी फार्म है जी, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त। गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। व्यूअर्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरी प्रोफाइल विजिट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।